हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर यानी कि क्या होता है, और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर यानी कि क्या होता है। इसमें हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके तहत उस इमरजेंसी में हम कैसे इवैक्यूएशन कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इमरजेंसी प्रोसीजर यानी कि होता क्या है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर यानी कि हम जिस साइट पर भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है कि जिसकी वजह से आदमी के हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर उसके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी हो या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें हमने कैसी एक्शन करना चाहिए, उसके लिए हमने क्या प्लानिंग करना चाहिए, यानी कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उस इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त, तो ऐसा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो हम वहां पर कंडक्ट करते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम इमरजेंसी प्रोसीजर कहते हैं। चलिए अब हम इसको और एक डेफिनेशन से समझते हैं। कंसीडर करते हैं कि हजार्डस लोकेशन है या फिर सिचुएशन है जहां पर लोग जो है वो फंसे हुए हैं, और वो जो हजार्डस लोकेशन या फिर सिचुएशन है उसकी वजह से जो लोग वहां पर फंसे हैं उनके हेल्थ के ऊपर या फिर लाइफ के ऊपर ये जो हजार्डस सिचुएशन है वो इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये हजार्डस सिचुएशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि किसी बिल्डिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो उस बिल्डिंग में आग लगना, या फिर किसी टॉक्सिक गैस का जहां पर आप काम कर रहे हो वहां से लीक हो जाना, तो ऐसी कोई भी हजार्डस सिचुएशन हो सकती है। तो अब इस हजार्डस लोकेशन से या फिर सिचुएशन से उन आदमी को हमें जो है बाहर निकालना होता है। तो जैसे ही उन आदमी को हम उस हजार्डस लोकेशन से या फिर सिचुएशन से बाहर निकालते हैं और एक सेफ प्लेस में यानी कि असेंबली पॉइंट में उनको पहुंचाते हैं, तो ये जो प्रोसीजर होती है इनको इमरजेंसी प्रोसीजर कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ जो वर्कर है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर एक जगह पर आग लगी है जहां पर वर्कर लोग जो है उनके वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं। अब जब वर्कर जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पर आग लगी है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई है। तो यहां पर हमने इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जैसी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना है, और जो भी आप काम कर रहे हो उन काम को आपको रोक देना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर पॉसिबल हो सके तो जो भी इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में है या फिर मशीन रनिंग कंडीशन में है तो उनको स्टॉप कराना है। फिर उसके बाद है कि जो आग लगी है वो अगर स्मॉल आग है यानी कि अगर छोटी आग है, तो आपको ट्राई करना है उस आग को बुझाने के लिए, यानी कि सूटेबल अवेलेबल जो भी फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है उसका इस्तेमाल करके आपको उस आग को एक्सटिंग्विश करना है यानी कि बुझाना है। लेकिन ये आपको तभी करना है कि अगर वो आग अगर छोटी है और वो आग जो है आप बुझाने के लिए सक्षम हो, अदरवाइज आपको उसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आग बड़ी है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर आपने फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, इन्फॉर्म करना है, या फिर जो भी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उनको आपको कॉल करना है या फिर इन्फॉर्म करना है, और उनको कॉल करके आपको ये बताना है कि किस जगह पर किस लोकेशन पर ये आग लगी है और आग जो है वो कितने मात्रा में फैली हुई है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपके नियर बाय में जो भी वर्कर्स होंगे उन सभी को आपको विसल बजाकर हो या फिर बुलाकर हो इन्फॉर्म करना है और बताना है कि यहाँ पर आग लगी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको जो सेफ वॉकवे है उसका इस्तेमाल करके वहां से जो है आपको वॉक करना है, वो भी फास्ट में, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर दौड़ना नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आप सभी ने सेफ जो असेंबली पॉइंट है वहां पर आपको जाना है, और वहां पर पहुंचने के बाद दोबारा आपको इस लोकेशन पर री एंट्री नहीं करनी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब आप असेंबली पॉइंट में पहुंच जाते हो तो वहां पर हेड काउंट होती है, और वो हेड काउंट इसलिए होती है कि जितने भी वर्कर्स उस वर्क प्लेस में काम कर रहे थे जहां पर आग लगी है, तो वो सारे वर्कर असेंबली पॉइंट में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं वो वहां पर देखा जाता है। अगर वहां पर आदमी कम है, वर्कर कम है, तो वहां पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी कुछ आदमी जो है वो वर्क प्लेस में जहां पर आग लगी है वहां पर फंसे हुए है। तो वो जो लोग वहां पर आग में अगर हुए हैं तो उनको रेस्क्यू करने के लिए वहां पर इमरजेंसी टीम को बताया जा सकता है।
और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हेड काउंट होने के बाद आपको असेंबली पॉइंट में ही रहना है जब तक आपको रेस्क्यू टीम के द्वारा कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। यानी कि अभी कंडीशन वहां पर ओके है, अभी आप काम करने के लिए जा सकते हो। ऐसा जब तक आपको रेस्क्यू टीम नहीं बोलती है तब तक आपको असेंबली पॉइंट में ही रहना है। तो इस प्रकार जो है, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो और उस वर्क प्लेस में अगर आग लगती है तो ये जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर है ये आपको फॉलो करना होता है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग हो, ऑफिसेस हो या फिर शॉपिंग मॉल हो, वहां पर अगर आप काम कर रहे हो और वहां पर अगर आग लगती है तो आपने क्या इमरजेंसी इवैक्यूएशन जो प्रोसीजर है वो फॉलो करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अगर देखा है कि वहां पर आग लगी हुई है तो आपने पैनिक नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है और जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आपको रोक देना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आप अगर देखते हो कि वो जो आग लगी है वो अगर छोटी आग है जो आप बुझा सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल करके, तो आपने उस आग को बुझाने के लिए ट्राई करना है। लेकिन अगर आग बड़ी है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, इन्फॉर्म करना है, या फिर इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स टीम है उनको इन्फॉर्म करना है और बताना है इस आग के बारे में। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि नियर बाय में जो भी अलार्म होगा उसको आपको रेस करना है और सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उन सभी को इन्फॉर्म करना है इस आग के बारे में। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको वहां पर दौड़ना नहीं है बल्कि आपको चलना है, लेकिन वो भी फास्ट तरीके से। फिर उसके बाद आपको देखना है कि नियरेस्ट में जो भी इमरजेंसी एग्जिट होगा उसका आपको इस्तेमाल करके उस इमरजेंसी एग्जिट को आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपने इमरजेंसी एग्जिट लेते समय स्टेयरकेस का ही इस्तेमाल करना है, वहां पर आपने एलिवेटर हो या फिर लिफ्ट का सहारा नहीं लेना है इमरजेंसी एग्जिट होने के लिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि स्टेयरकेस का जो लेफ्ट साइड है उस साइड से ही आपको इमरजेंसी एग्जिट से चलते रहना है, लेकिन स्टेयरकेस का जो राइट साइड है उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो जो राइट साइड होता है स्टेयरकेस का उसको आपको रखना है जो भी लाइफ सेवर्स हो या फिर रेस्क्यू टीम हो उनके लिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमन वहां पर अवेलेबल हो तो उनको आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है, लेकिन अगर वहां पर प्रेग्नेंट वुमन अगर नहीं है तो फिर आपने जो फिजिकली चैलेंज पर्सन हो उनको प्रेफरेंस देना है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आप सभी ने सेफ जो असेंबली पॉइंट है वहां पर पहुंचना है और उस बिल्डिंग में आपको तब तक नहीं जाना है जब तक आपको रेस्क्यू टीम के द्वारा कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है कि अभी जो कंडीशन है वो ओके है और आप जो है उस बिल्डिंग में या फिर ऑफिस में काम करने के लिए जा सकते हो। तो जब तक ये ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है रेस्क्यू टीम के द्वारा, तब तक आपने वो जो सेफ असेंबली पॉइंट है वहीं पर ही रहना है। तो इस प्रकार जो है आप इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो जब भी आप जिस बिल्डिंग में, ऑफिसेस में या फिर शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हो और वहां पर आग लगती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।